एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को बड़ी सफलता मिली है। रिटेल कारोबार में धाक जमाने के बाद देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब होलसेल मार्केट में भी अपना परचम लहराने को पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दरअसल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जर्मन फर्म मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। क्या है पूरी खबर, आगे जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। करीब 3 महीने पहले की बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील की थी। डील के तहत 2,850 करोड़ रुपए में मेट्रो कैश एंड कैरी के 100% इक्विटी के अधिग्रहण के लिए समझौता हुआ था और इसी समझौते को आगे ले जाने के लिए CCI की ओर से हरी झंडी मिली है। अब सवाल ये है कि इस डील के पीछे क्या प्लान है मुकेश अंबानी का और कंपनी को आने वाले दिनों में क्या फायदा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस पहले ही जियो मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, स्मार्ट बाजार के साथ रिटेल मार्केट में सिक्का जमा चुकी है। रिटेल में कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी और फैशन तक फैला हुआ है। वही अब इस डील से रिलायंस को होलसेल मार्केट में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। मेट्रो के पास स्टोर नेटवर्क का बड़ा जाल है। कंपनी ने खुद को भारत में किराना बाजार का बड़ा खिलाड़ी साबित किया है। ये कंपनी देश में किराना दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए वन स्टॉप बनती जा रही है। ऐसे में कंपनी के अधिग्रहण के बाद रिलायंस के रिटेल मार्केट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली का क्या मानना है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इस अधिग्रहण के फैसले से कंपनी को रिटेल सेक्टर में विस्तार करने में मदद मिलेगी, खास तौर से 10 में से 8 बड़े शहरों में जहां मेट्रो मौजूद है। साथ ही किराना स्टोर्स के साथ संस्थागत कस्टमर्स के बीच पैठ बनाने में मदद मिलेगी। मेट्रो B2B मार्केट का प्रमुख खिलाड़ी है। वहीं रिलायंस के देश में 16,600 के करीब स्टोर्स हैं और मेट्रो के मजबूत होलसेल पकड़ के जरिए उसे अपने ऑपरेशन को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सिर्फ रिलायंस को ही नहीं, जर्मन कंपनी का कहना है कि इस डील से उसे करीब 15 करोड़ यूरो का फायदा होगा। बता दें, मेट्रो एजी भारत में 2003 में कैश एंड कैरी बिजनेस की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी बनी। मौजूदा समय में कंपनी देश के 21 शहरों में 31 स्टोर चलाती है। कंपनी में करीब 3,500 कर्मचारी हैं और करीब 30 लाख ग्राहक। इन ग्राहकों में से 10 लाख ग्राहक ऐसे हैं जो मेट्रो के रेगुलर कस्टमर हैं, जो B2B ऐप के जरिए खरीदारी करते हैं। मेट्रो अपने स्टोर्स में फल, सब्जी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसहोल्ड आइटम्स, एप्रल सप्लाई करती है। मेट्रो के कस्टमर्स में होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, कंपनी, छोटे रिटेलर और किराना स्टोर्स शामिल है। वहीं कंपनी के आधे स्टोर्स दक्षिण भारत में मौजूद है। आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2022 में खत्म हुई फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की सेल 7,700 करोड़ रुपए की रही थी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस।